अब हम आपको लिए चलते हैं गोवा और दिखाते हैं विसर्जन की एक ऐसी प्रथा जो मनोहारी तो है ही, ऐतिहासिक भी है। नदी के प्रवाह में घूमती ये है सांगोड़ोत्सव रैली, जो गणेश उत्सव में गोवा की पहचान बना चुकी है। पहचान की बात करने से पहले बात गोवा की। गोवा समुद्र किनारे बसा एक ऐसा शहर जिस पर पुर्तगालियों ने तकरीबन 450 साल हुकूमत की। कहते हैं अपने राज के दौरान पुर्तगालियों ने सनातन धर्म को खत्म करने की हर चेष्टा की, साथ ही स्थानीय धर्म का वजूद भी हद तक मिटा दिया। पुर्तगालियों के जुल्म और सितम से तंग आकर तत्कालीन कुम्हार जे गांव के ग्रामीणों ने विघ्नहर्ता की आराधना शुरू की। जब आराधना की तो विसर्जन तो करना पड़ेगा, लिहाजा पुर्तगालियों की नजरों से छुपकर गणपति का विसर्जन किया जाता था। बप्पा को नाव में डालकर ग्रामीण नदी के पार ले जाते और फिर मौका देखकर उनको समुद्र में विसर्जित कर देते थे। कालांतर में गोवा मुक्ति के बाद इस उत्सव का रूपांतरण हुआ, जिसे आज सांगोड़ उत्सव के नाम से जाना जाता है। इस उत्सव को देखने के लिए गोवा में हर साल लाखों सैलानी आते हैं। प्रेजेंट डॉक्यूमेंट वी आर सर्चिंग, वी हैव फाउंड दैट दिस टेंपल देवी शांतादुर्गा कुमार ज्योति इज अराउंड 1545 सेंचुरी एंड अराउंड 450 इयर्स बैक। बट आई थिंक दैट दिस सांगोड़ उत्सव इज बेसिकली दैट गणपति विच वॉज कैप इन द टेम्पल ऑफ श्री शांतादुर्गा कुमार ज्योतिरी एंड आफ्टर 7 days दैट सांगोड़ उत्सव सेलिब्रेशन इज गोइंग ऑन इन द मांडवी रिवर। इस साल का सांगोड़ उत्सव बड़ा ही मनोहारी और विहंगम था। पौराणिक, सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों के भव्य चरित्रों से सजी नाव को देखकर भक्तों और सैलानियों का मन मंत्रमुग्ध हो गया। नदी के प्रवाह में घूमती इस सांगोड़ उत्सव रैली को देखने के लिए हजारों लोग गोवा के समुद्र तट पर आते हैं और बुझे मन से बप्पा को विदाई देते हैं, लेकिन ये कहकर कि अगले बरस फिर आना। योजना यादव, सहारा समय, गोवा।